गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे रिश्तेदार, मेरे रिश्ते जलने वाले सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ए ये क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। वो गुड मॉर्निंग है, क्या कर रहे हो? मेरे वीडियो में सरसराहट आ गया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। ये हमारे बड़े झाजी को, छोटे झाजी अभी बड़े झाजी घर में है, ये छोटे झाजी है और इनसे भी छोटा स्कूल गया है। ये मीडियम झाजी है जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए, देख रहे हैं। और इनके बड़े झाजी जो इनके बाबू जी है वो अपनी बीवी के साथ घूमने गए, बाहों में बाहों डाले गए। मेरा छोटा जो झाजी है वो अपना गर्लफ्रेंड खोजने गया स्कूल। छोटा झाजी गर्लफ्रेंड खोजने गया और ये मीडियम झाजी के जो गर्लफ्रेंड है ना वो देखिए यहाँ है। ये देखो मेरे को देख सकते हो बाबा, हम यहाँ है। समझे भैया, सब कोई अपने अपने जगह गया है, ठीक है। मेरा सुबह का नहा धो के पूजा पाठ हो गया है, अभी जो है ना पेट पूजा का तैयारी किचन में कर रहे हैं। हाल बेहाल देख सकते हैं क्योंकि उठते ही सीधे हमको किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि बड़े झाजी जब घूम के आएंगे ना तो बड़े झाजी का ना बहुत सारा पहले पीने उने का रहता है। चलो फिर सब काम देखे अच्छे से करके रखेगा, ठीक है, कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए हमको। मेरा भी चाय दे दीजिए। मम्मा पापा सुन रहे हैं, मेरा तो कोई वैल्यू ही नहीं है बाबा। हम क्या थे और क्या हो गए, क्या से क्या हो गया। मेरा चेहरा देख सकते हैं आप लोग, को दया आता है कि नहीं? यहाँ पे तो किसी को नहीं आ रहा है, इनको भी नहीं आ रहा है। हाँ तो क्या बता रहे थे? हाँ, बड़े झाजी आएंगे और उनका पीने का पानी चाहिए, उसके बाद उनको स्प्राउट वाला चाहिए, फिर ये थोड़ी पहला वाला है प्लेटफॉर्म के, दूसरा वाला उधर वाला, उधर वाला, समझे। इतना झाजी को चाहिए, अब बड़े ये झाजी तो चले गए अपने, अपना जिम्मेदारी मेरे मथे पे छोड़ के। झाजी को चाय दे दिए, नाश्ता दे दिए, बिस्किट दे दिए, मैंगो लस्सी पिए है, पता है क्यों? क्योंकि ये देखिए धूप देखिए भयंकर है, 33 डिग्री है आज। मैंगो लस्सी दिए ना बैग में? नहीं नहीं, बैग में मैंगो लस्सी कैसे दे सकते हैं, अभी पिया हो ना। अरे एक और तो देते हैं, दे दे बना के तुरंत। आइएगा तब देंगे। हम दिखा रहे हैं कि मेरे पीने नहीं दिया मुझे। चलिए पहले उनको बाय बोलते हैं, एक मिनट रुकिए। बाय बाय सुना, अच्छे से स्कूल पढ़ाई करना, किसी को डांटना नहीं, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी को लड़ाई नहीं करना, ऑफिस जाना सीधा, जाना इधर उधर टापना नहीं, एकदम घोड़े की तरह सीधा जाना, घोड़े की तरह सीधा आना, घोड़े की तरह सीधा जाइएगा, घोड़े की तरह सीधा आइएगा, टापिएगा ना, रोजी रोटी चलता है, ऑफिस में ध्यान से काम कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं। जय ऑफिस महाराज की। बाय बाय। चलिए घर में रुक गए, घर में रह गए होम, समझे, सब कोई चले गए, थोड़ी देर में अब आएंगे झाजी लोग, मतलब बड़े झाजी हमारे। हमारे ससुर जी आएंगे, समझिए। अरे यार भुंजिया मारबो करेंगे, भुंजिया जल गया। यहाँ पे भुंजिया बन चुका है, यहाँ बलौकी का सब्जी बन गया है, और इधर देख रहे हैं दाल बन चुका है, ये स्प्राउट मूंग सबका रेडी हो गया है, ये पापा जी का पानी रेडी हो गया है, और अब किचन को क्लीन करना है बस। पापा जी जैसे रिश्त गरम गरम रोटी खाता ना, ऐसे ही पापा जी भी गरम गरम खाते हैं, उनको पहले से बना के नहीं रख सकते हैं। तो चलिए ये सारा काम क्लीन करते हैं। और आज ना वो मौसम अच्छा है ना, तो तुलसी जी को दिखाए थे, वो सबको सोचे है ना कि अलग अलग पॉट में रख दे, क्योंकि टाइम मिलता नहीं, और आज मेरे पास टाइम है, आज थोड़ा जल्दी उठ के कुकिंग वगैरह हो गया, क्योंकि ऋषित का आज स्पोर्ट डे था, तो बहुत पहले स्कूल गया था, इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ गए, इसीलिए आज टाइम है, अदरवाइज टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए मिलते रहते हैं, ब्लॉग हमारा किसी भी रीजन पर अच्छा लगे तो भैया एक लाइक, एक सब्सक्राइब, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। क्या बोलते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो देखने हैं, अगर आप हमें पसंद करते हैं तो इतना तो कर सकते हैं ना हमारे लिए। चलो रे बाबा, ऋषित को पिक कर लिया, इतनी गर्मी मत पूछो, देखो इसका हाल।
आज बहुत गर्मी है और आज था स्पोर्ट डे बाहर में, सुबह 8 बजे से लेके और अभी 1 बज रहा है, दोपहरिया का 1 बज रहा है और इतना गर्मी लग रहा है कि हम इंडिया में पहुंच गए बाबा। आदत अब है नहीं ना फील करने का, तो आज बहुत गर्मी है, जबकि ज़्यादा नहीं है, 33 डिग्री है, लास्ट ईयर 40 किया था लेकिन फील लाइक 37 दिखा रहे हैं, बहुत गर्मी। और ऋषि कुमार को देखिए एकदम गर्मी से आया है, सुबह से 8 बजे से जो बाहर में है धूप में, मत पूछिए। दोपहरिया मन तो कर रहा है कि ये छाँव छाँव देख रहा है, ये पूरा छाँव 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 ऐसे चले, धूप में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना गर्मी। और ये गए हैं ऑफिस, नहीं तो ऑफिस नहीं जाते ना तो ये पिक कर लेते, ऑफिस जाते हैं उस दिन मेरा वाट लग जाता है इस दोपहरिया में पिक करना। अभी भी धूप रहता है, 3:30 में जब छुट्टी होता है उस समय भी धूप रहता है, मन नहीं करता है कि आके इसको पिक करें। मस्त ठंडा ठंडा देख रहे हैं ये, चलिए ऊपर आ गए हैं सबसे टॉप पे और यहाँ पे दिखाएंगे कौन कौन सा प्लांट ग्रो हुआ है, इसका भी अपडेट देना है। और यहाँ पे तुलसी जी को लेके आए हैं, नीचे जो दिखाए थे ना उनको लेके आए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सबको अलग अलग पॉट में लगा देते हैं। एक में हमको लगता है 25 to 30 आया हुआ है, इसको अलग करना है, इससे पहले भी आया था ना एक पॉट में इतना ही आया था, उसको भी अलग किए हैं जो नीचे दिखाए हैं, हर छोटे छोटे पॉट में है। और दो नीचे लैंड में ज़मीन में डाले हैं, देखते हैं ग्रो करता है कि नहीं, लास्ट टाइम किए थे ना तो ज़मीन में जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ सूख गया था, इस बार देखते हैं करके जय माँ तुलसी लग जाए। और दिखाते हैं हमारे ऊपर वाले गार्डन में क्या क्या आया है, सबसे पहले एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाते हैं आपको, ये देखो ये ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नज़ारा देख रहा क्या मस्त दिख रहा है ना। मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं किए थे, लास्ट ईयर जो ये सूख गया था इसको बाहर में बस ला के रख दिए और उसमें इतना अच्छा ये ग्रो किया है, और सबको एक ही पॉट में डाल दिए थे, 3-4 प्लांट था इसका और ये मस्त ग्रो होके निकला है। ये देखो 2-3 अभी अभी कली और है जो खिलना अभी बाकी है, लग रहा है कि पूरा ना गुलदस्ता का पैकेट बना हुआ है। और यहाँ पे तो बनाना का ट्री है जो ग्रो कर रहा है, साथ में इधर चलते हैं। और ये मेरा बड़ा बड़ा वाला ड्रम जिसमें पानी भरा रहता है। और ये देखिए ये चना 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 का साग 2 बार खा चुके हैं, अब नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये देख रहे हैं ये आ रहा है, अब हमको ये बहुत पसंद है इसलिए अब नहीं तोड़ेंगे इसको। और ये ब्रिंजल 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 गेंदा 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 ब्रिंजल। और ये देखो हर बार की तरह यहाँ पे लगा है हमारा बीन्स, ये देखो आ चुका है, यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। और ये सब देख रहे हो ये ब्रिंजल है, ब्रिंजल ब्रिंजल ये फ्लावर है आपका, ये भी फ्लावर फ्लावर फ्लावर। और इधर एक ब्रिंजल लगा हुआ है और ये पालक लगाए थे जो अब सूख चुका है, इसको रिमूव करके यहाँ पे 2-3 ब्रिंजल है उसको डालेंगे और एक लौकी डालेंगे और तुलसी जी को डालेंगे। 1-1.5 घंटे का काम अभी मेरा ऊपर का है, तब तक कहीं झाजी आ जाए, अभी बज रहा है दोपहर के 3 बज रहा है, धूप मारा देख रहे हैं। नीचे भी हम काम किए, तुलसी लगाए हैं वहाँ भी, तुलसी जी को लगाए हैं धूप से, और यहाँ पे हम आए बाबा ठंडा में काम करने के लिए, तो चलिए फटाफट काम करते हैं। तो ये था मेरा ऊपर वाले टेरेस का अपडेट, देख सकते हो हमको ये वाला मस्त लग रहा है, लग रहा है घर में लगा दे गुलदस्ता जैसे। और यहाँ पे देख सकते हैं झाजी क्या क्या ऑफिस से गए थे, लेके आए हैं तेल, लेके आए हैं मैंगो पर्व, लेके आए हैं ये जैक फ्रूट लेके आए हैं। और इधर बाबूजी के लिए ये देखिए यहाँ पे लौकी आया है, भिंडी नहीं मिला कम है, फिर ऑर्डर देंगे कल लेके आएंगे। और यहाँ पे धनिया पत्ता देख सकते हैं, तो इतना सामान बाबा आया है, वो अभी जस्ट आए हैं और टाइम देख सकते हैं अभी आए हैं 8 o'clock को, आते ही चाय पिए हैं, चाय बना के दिए हैं। और झाजी बड़े झाजी छोटे झाजी माँ सबको गए हैं घूमने के लिए शाम में वॉकिंग करने, और हमको
किचन में छोड़ के गया है सब लोग। बताइए, यहाँ पे रात के लिए बन रहा है राइस, इधर दाल बन चुका है, भिंडी का भुंजिया बन चुका है, एंड यहाँ पे बनने वाला है पकौड़ी, कढ़ी पकौड़ी, जो कढ़ी वड़ी बोले थे वो बनेगा। और ये ऋषित के लिए, यहाँ पे ऋषित का फेवरेट देख रहे हैं, यहाँ पे आलू बन रहा है। चावल दाल के साथ ऋषित का ये होना चाहिए, इसके बिना उसका पेट नहीं भरता है, वो बस ये मैंडेटरी है। और पापा जी के लिए यहाँ पे लौकी थोड़ा बचा हुआ है दिन का, यहाँ पे लौकी बचा हुआ है। तो ये है बाबा अपडेट। और एक ये जिंजर गार्लिक दिन में कट वट करके रखे हैं, क्योंकि इसका बनाना है पेस्ट, तो बहुत सारा काम करना है। और झाजी जैसे ही आए ऑफिस से वो अपना बैग यहाँ पे रखते हैं चावल को। और ऋषित के लिए एक ये, इसके पापा इंडियन स्टोर जाए और ये लेके ना आए। तो चलिए फटाफट किचन में चलते हैं, और पूरा मतलब ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है, लेकिन ये लोग घूम के आएंगे आधे घंटे में, 9 बजे तक आएंगे, फिर खाना पीना खाया जाएगा। और आज फिर से थोड़ा सब्जी ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि भिंडी नहीं मिला, परवल नहीं मिला है, करेला नहीं मिला, ये सब नहीं मिला है। तो कल जाके फिर शाम में लेके आएंगे, क्योंकि तो पापा जी का कंटिन्यूअस ग्रीन सब्जी चलता है। लौकी उनका लौकी फेवरेट है, तीनों टाइम लौकी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, और एक सब्जी और जैसे भिंडी का भुंजिया या बंदा गोभी का भुंजिया, ये होना चाहिए। समझ सकते हैं मेरा हालत, क्या बताएं आप लोग को। चलिए फटाफट बनाते हैं कड़ी पकौड़ा, ये माँ को बहुत पसंद है, इनको भी, पति देव को भी पसंद है। यहाँ पे इसमें दही मिक्स कर दिए हैं और इसको छोड़ दिए हैं, 1 घंटे से इसको छोड़े हुए, ताकि अच्छा फ्लफी बने। और कढ़ी तैयार करना है, वो बचा हुआ है, इसको फ्राई करते हैं। तेल हमारा गर्म है, तो पहले इसको फ्राई कर लेते हैं। छना चुका है हमारा, मस्त पकौड़ी लग रहा है ना, और ये भी बन चुका है। और यहाँ पे ग्रेवी तैयार करना है, कढ़ी वो भी ऑलमोस्ट सब मसाला मिला चुके हैं इसमें, बस फोरन लगाना बाकी है हमारा।